Hello, students. I hope you all are doing good. Let's start today's chapter: our bones and muscles. Organ systems. Our body has many organ systems that work together as one unit. The functions of eight major organ systems are listed below, along with the main organs and parts associated with each system. Because our body there are many organ systems, which we have to unit. ओके okay, तो आपके एट मेजर ऑर्गन सिस्टम्स हैं जिनके बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले है स्कैलेटलिटलो हेल्प टू मूव द मेन ऑर्गन एंड पार्ट आर बोन्स ज्वाइंट लिगमेंट काट स्कैलेटल सिस्टम क्या करता है हमारी पूरी बॉडी को सपोर्ट करता है हमारी पूरी बॉडी को एक शेप एंड फॉर्म प्रोवाइड करता है हमें मूव करने में हेल्प करता है मेन ऑर्गन्स एंड जो पार्ट्स है आपके स्केलेटल सिस्टम के वो है आपके ओके पार्ट आर मस्कुलर सिस्टम जो है हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को मूव करने में हेल्प करता है मेन ऑर्गन्स है आपके मस्कुलर सिस्टम है मसल नेक्स्ट इज सर्क्यूलेट्री सिस्टम इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिय दर्कुलेन ऑफ ब्लडन हार्ट ब्लड एंड ब्लड सर्क्यूलेट्री सिस्टम जैसे कि नाम सेजेस्ट होता है सर्क्यूलेट करना ये न्यूट्रिय को ट्रांसपोर्ट करता है सेल्स में थ्रू आउट बॉडी ओके जो कि आपका कंप्लीट होता है बाय द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड सो मेन ऑर्गन एंड जो पार्ट है आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के वो है हार्ट ब्लड एंड ब्लड वेसल्स नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम इट हेल्प्स अस टू ब्रीथ द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन इट द मेन ऑर्गन्स आज नोज, ट्रैकिया लंग्स अब रेस्पिरेटरी सिस्टम हमें भी ब्रीथ करने में हेल्प करता है यहां पर क्या होता है एक्सलेशन इनहेलेशन होता है ओके एंड मेन ऑर्गन है आपके ओके नेक्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम

It helps us to think and learn. It also responds to changes in the environment. The main organs and parts are brain, nerves, spinal cord. अब ये क्या करता है कि पूरी बॉडी को कंट्रोल करके रखता है यह हमें सोचने में हेल्प करता है हमें लर्न करने में हेल्प करता है और इसके अलावा हमारे जो इन्वायरमेंट में जो चेंजेस होते हैं ना उसकी तरफ रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करता है, राइट मेन ऑर्गन्स आपके हैं नर्वस सिस्टम के डीज राइट right? Next is excretory system. It helps us in getting rid of body waste such as sweat and urine. The main organs are kidneys, skin. Excretory system हमारी जो body में waste products होते हैं waste material होते हैं उनसे हमें छुटकारा देने में help करते हैं right? जैसे sweat के form में या urine की form में and main organs है आपके okay? Next is reproductive system.

इन साइड द बॉडी देर इज अ फ्रेम वर्क ऑफ बोन्स कॉल द स्केलेटिन देर आर टू हंड्रेड एंड सिक्स बोन्स इन एन अडल्ट ह्यूमन बॉडी अच्छा स्केलेटल सिस्टम जितना भी आपकी बॉडी बो, में बोन्स है टिश्यूज है जैसे कि लेगमेंट है काटलेज है उनको कनेक्ट करता है बॉडी के अंदर एक फ्रेमवर्क है बोन्स का जिसे हम कहते हैं स्केलेटिन एंड आपको पता है एम श्योर sure आप लोगों को पता होगा कि दैट टू हंड्रेड एंड सिक्स बोन्स एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है ओके द स्केलेटल सिस्टम परफॉर्म्स अ फॉलोइंग फंक्शन नंबर वन इट gives शेप एंड support to द बॉडी नंबर टू इट protects अ वाइटल इंटरनल organs ऑफ द बॉडी अब स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन क्या है एक तो शेप एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है और जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है नंबर थ्री इट प्रोवाइड्स मूवमेंट टू द बॉडी पार्ट्स विद द हेल्प ऑफ मसल अटैच द बोन्स बॉडी में जो मूवमेंट होता है वो किसकी हेल्प से होता है मसल्स की हेल्प से जो कि आपके बोन्स के साथ अटैच होते राइट बोन्स bones are present inside the body they are relatively light yet five times stronger than steel a bone has a very hard and strong outer layer inside this is a layer of spongy bone jelly like bone marrow is present in the middle of some bones red blood cells and some white blood cells are formed in the bone marrow bones of our body can the provide आपके प्रेजेंट होते हैं अच्छा देखिए बहुत लाइट होते हैं बट फिर भी जो स्टील होता है ना स्टील उससे पाँच गुना ये स्ट्रॉगर होती है वाले बोन्स राइट तो आपकी जो बोन्स होती है बहुत ही हार्ड स्ट्रॉन्ग आउटर लेयर है इसका इस लेयर के अंदर एक स्पॉन्जी बोन होता है लेयर ऑफ स्पॉन्जी बोन और फिर जेली लाइक बोन मैरो ये जो कुछ बोन्स के मिडल में प्रेजेंट होता है रेड ब्लड सेल आपके यानी आर कुछ आपके डब्ल्यू इस बोन मैरो में बनते हैं राइट A newborn baby has around 300 bones. As the baby grows, some bones join together. Up to a certain age, the bones also grow in size, but in case of a crack or fracture of a bone, it repairs itself with time. Bones are made up of calcium, sodium, phosphorus, and other minerals. Calcium is needed to make bones hard and strong. To a newborn baby has body has around 300 bones, लेकिन जैसे जैसे बेबी ग्रो करता है कुछ जो बोन्स होती हैं वो साथ में जॉइन हो जाती है ओके okay? और एक सर्टेन एज तक बोन्स भी साइज में ग्रो करती है ओके okay? लेकिन कई जैसे क्रैक या फ्रैक्चर हो जाता है बोन में तो एक्चुअल में ये अपने आप ही रिपेयर हो जाता है टाइम के साथ आपकी बोन्स जो होती हैं देखिए इन मिनरल से बनी है एंड इसमें कैल्शियम जो है कैल्शियम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है बोन्स को हार्ड एंड स्ट्रांग बनाने के लिए राइट नाउ पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन नंबर वन स्कल The skull is the pony framework of the head. It protects the brain. The skull is made up of twenty-two bones. Out of these, eight flat bones protect the brain. The remaining fourteen bones make up the face. The eyes fit in the eye socket. The lower jaw is the only joint that can be moved. This movable bone allows us to talk and eat. Our skull, jo hai apka, this one, is hai bony framework of the ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है स्कल जो है आपका बना होता है ट्वेंटी टू बोन से जिसमें से इन ट्वेंटी टू में से जो एट फ्लैट बोन्स होती हैं वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं एंड बाकी की जो चौदह बोन्स बची वो क्या करती है वो फेस को बनाती है आईज आपकी आई सॉकेट में फिट हो जाती है और लोअर जो जो होता है आपका ये इकलौता ऐसा जॉइंट होता है जिसको मूव कराया जा सकता है ओके okay? और इसी की वजह से जो मूवेबल बोन है इसी की वजह से बोल पाते हैं या फिर खाना खा पाते हैं राइट right? Next, the backbone. Run your hand along the central part of your back. You feel a hard, long column. It is the backbone. The backbone is not a single bone, it is made up of 33 small, irregular bones called vertebrae. These bones make a strong framework which protects the spinal cord. There is a soft substance called cartilage in between every two vertebrae, it provides flexibility to the backbone. आपका बैक है उसके सेंटर पे जब आपने हैंड को रन करेंगे ना तो आपको एक हार्ड लंबा सा कॉलम फील होगा एक्चुअल में ये आपका बैक बोन है ये आपके सिंगल बोन नहीं है एक्चुअल में ये जो बैक बोन है ये थर्टी थ्री छोटी छोटी इरेगुलर बोन से बना है जिसे कहते हैं वर्टिब्रेक फिर ये जो वर्टिब्रे है ये जो ये बोन्स है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क बनाती है जो कि आपके स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करती है फिर एक सॉफ्ट सॉफस्टेंस होता है जिसे कहते हैं कार्टिलेज ये हर दो वर्टिब्रे के बीच में होता है ये बैकबोन को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है राइट द बैक बोन इज अटैच द स्कल एट द टॉप वी कैन बैंड टर्न एंड ट्विस्ट इजली बिकॉज द बैक बोन एज मेड इन सच ओ वे बैक बोन आपके स्कल के साथ अटैच होता है टॉप में आप बेंड करते हैं टर्न करते हैं ट्विस्ट करते हैं ईजिली क्योंकि जो बैक बोन होता है ना वो इसी तरह से बना होता है राइट नेक्स्ट इज द रिब केज ट्वेल्व पेयर्स ऑफ थिन कर्ड बोन्स कॉल्ड रिब्स मेक अप द रिब केज द रिब केज प्रोटेक्ट द लंग्स एंड द हार्ट जो ट्वेल्व पेयर्स होते हैं आपके छोटी छोटी पतली पतली कर्ट बोन्स होते हैं दीज वो बनाते हैं आपके रिब्स ओके एंड इसको केज बनाते हैं एंड रिप केज क्या करता है आपका जो लंग्स एंड हार्ट है उन्हें प्रोटेक्ट करता है राइट द रिब्स आर कनेक्टेड टू द बैक बोन एट द बैक टेन ऑफ दीज पेयर्स आर कनेक्टेड टू द ब्रेस्ट बोन इन द फ्रंट द लास्ट टू अन अटैच पेयोटिंग रिब्सो प्रोटेक्ट पार्ट ऑफ द स्टमक एंड किडनी अच्छा अब आपके पास ये ट्वेल्व पेयर्स होते हैं टेन पेयर जो होते हैं इनके वो कनेक्टेड होते हैं आपके ब्रेस्ट बोन के साथ फ्रंट में अब लास्ट के जो दो अन अटैच पेयर होते हैं उन्हें हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स रिब्स जो है स्टमक एंड किडनीज के कुछ पार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं राइट नेक्स्ट लिम्स देर आर टू पेयर्स ऑफ लिम्स इन द्यूम दिम्स और आर्म्स एंड लिम्स और लेग्स द लिम्स आर मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल एंड बिग बोन्स The long bone of the upper arm is called the humerus. The longest bone in the body is the thigh bone called the femur. The wrist, palms and fingers are made up of several small bones. They help us to hold and lift things. Similarly, several small bones make up the ankle and the foot. All the bones of the head limbs help us to walk, stand and sit. Actually the limbs do pairs humans right? यानी जैसे हमारे आर्म्स एंड हिंड हैंडल्स यानी लेग्स तो लिम्स जो है छोटे छोटे और बिग आपकी बोन से बनी है तो जो लॉन्ग बोन है आपकी अपर आर्म की दैट इज ह्यूमरस एंड जो लॉन्गेस्ट बोन है आपकी बॉडी में वो है आपका थाई बोन जिसका नाम है फीमर आपकी रिस्ट फिंगर्स जो है बहुत सारी छोटी छोटी बोन से बने राइट ये चीजों को लिफ्ट करने में होल्ड करने में हेल्प करते हैं इसी तरह से आपकी जो छोटी छोटी बोन्स आपके बने एंगल एंड फुट राइट गर्डल्स देर आर टू पेयर ऑफ गर्डल्स इन द बॉडी द ह्यूमरस बोन ऑफ द फोर इज जॉइंट टू द स्पाइन बाय द शोल्डर गर्डल द फीमर बोन ऑफ द हिंडल इज टू द पेल्विक गर्डल द किडनीज एंड द यूरिनरी ब्लैडर आर प्रोटेक्टेड बाय द पेल्विक गर्डल अच्छा गर्डल के दो पेयर है आपके बॉडी में तो ह्यूमरस बोन्स है फोर लिम की वो आपके स्पाइन के साथ ज्वाइंट होती है शोल्डर गर्डल से एंड आपकी फीमर बोन यानी जो लॉन्गेस्ट बोन है आपकी हेंडलिम की वो जॉइंट होती है पेल्विक गर्डल के साथ तो किडनीज एंड जो यूरिनरी ब्लैडर है आपका ये आपके प्रोटेक्टेड रहते हैं बाय द पेल्विक गर्डल ओके नेक्स्ट जॉइंट्स बोन्स आर हार्ड एंड रिजिड देन हाउ टू वी मूव दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द जॉइंट्स ज्वाइंट्स आर द प्लेसिस वेट टू और मोर बोन्स मीट और ज्वाइंट टूगेदर bones are joined together by a thread like band of fibrous connective tissues called ligaments joints are of two types immovable joints and movable joints acha bones aapki hard hoti thi rigid hoti hai fir ye move kaise karti hai Actually joints की वजह से possible होता है तो joints आपके वो जगह होती है जहाँ पर आपके दो या दो से ज़्यादा bones आपकी meet करती है या साथ में join होती है right? तो अब ये जो bones हैं ये एक thread like band के साथ joined होते हैं

अब जो इमूवेबल जॉइंट्स हैं जैसे कि इनके नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि मूवमेंट को अलाउ नहीं करते जैसे कि जो बोन्स होती हैं आपकी स्कल में एंड पेल्विस में राइट मूवेबल जॉइंट्स ये फ्री मूवमेंट अलाउ करते हैं बोन्स का इनके एक्चुअली कार्टिलेज होते हैं बिटवीन देम जिससे कि जो बोन्स हैं वो रब ना करें अगेंस्ट ईच अदर ओके मूवेबल जॉइंट्स आर फे फोर मेजर टाइप्स अब आपके मूवेबल जॉइंट्स जो है वो भी आपके चार मेजर टाइप्स के नंबर वन इज हिंज जॉइंट

दूसरी बोन में जो एक जिसमें आपका एक रिंग बना होता है ओके okay? ये रोटेटिंग मूवमेंट को अलाउ करता है साइड टू तो साइड या अप एंड डाउन जैसे कि नेक में जो बेस होता है स्कल का एंड एल्बोज में राइट नंबर फोर इज ग्लाइडिंग ज्वाइंट इन इट टू फ्लैट bones स्लाइड ओवर वन another. इट allows सिंपल बैक एंड फोर्थ स्लाइडिंग एंड sideways sliding. स्लाइडिंग एग्जाम्पल्स बोन्स ऑफ द रिस्ट एंड द एंकल्स इसमें क्या होता है कि जो दो फ्लैट बोन्स होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती है तो इस सिंपली बैक एंड फोर्थ स्लाइडिंग को अलाउ करते हैं या साइड वे स्लाइडिंग होते हैं जैसे कि आपकी रिस्ट की बोन्स हो गई या फिर एंकल्स में ओके मस प्रेस द पाप ऑफ योर लेफ्ट हैंड विद योर राइट हैंड यू विल फील समथिंग सॉफ्ट बिनी द स्किन They are muscles muscles are bunches of tissues inside the body most of them are attached to the bones by strong tissue fibers called tendons अब अपने लेफ्ट हैंड के पाम को अगर आप प्रेस करेंगे ना अपने राइट right हैंड से तो आपको फील होगा कुछ सॉफ्ट स्किन की पीली जे एक्चुअली में वो आपकी मसल्स है मसल्स आपकी होती हैं बंचेस ऑफ टिश्यूज जो बॉडी के अंदर होते हैं और ज्यादातर इसमें से अटैच होते हैं आपकी बोन्स के साथ एक स्ट्रांग फाइबर के साथ टिश्यू फाइबर के साथ जिसे कहते हैं टेंडन्स काइंड ऑफ मसल्स

these muscles do not have stripes on they are spindle shaped short and work smoothly so they are also called smooth muscles ab involuntary muscles hai to of course ye hamare control mein to nahi hongi ye apne aap se kaam karti hai jaise ki ye jo muscles aapke paaye jaate hain aapke internal organs mein like wind pipes stomach ya blood vessel hai to ye to apne will के according काम करते हैं हमारी विल के अकॉर्डिंग नहीं तो इनमें स्ट्राइप्स नहीं होती ये स्पंडल शेप्ड होती हैं शॉर्ट होती हैं

बॉडी होल लाइफ तो ये काफी स्ट्रोंग मसल्स होते हैं, इन्वॉल्ट्री मसल्स होते हैं, कंटिन्यूसली वर्क करती है ब्लड को पंप करती है थ्रू आउट जब तक हमारी लाइफ रहती है राइट वर्किंग ऑफ मसल्स मसल्स अलॉन्ग विद बोन्स हेल्प द बॉडी मूवमेंट मसल्स वर्क इन पेयर्स ओनली द मूवमेंट इज कॉज बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड स्ट्रेचिंग कलेक्टिवली वन वन मसल कॉन्ट्रैक्ट अदर स्ट्रेच इन वाइस वर्स लेट इज अंडरस्टैंड इट विद एग्जाम्पल ऑफ द मूवमेंट इन आर अच्छा मसल्स जो है बोन के साथ मोमेंट करती है मसल्स हमेशा पेर्स में वॉक करती है तो मोमेंट होता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेचिंग होता है कलेक्टिवली तो जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो दूसरी स्ट्रेच हो जाती है एंड देन वाइस वर्सा ओके तो देखिए हम किस तरह से मोमेंट होता है एल्बो का वेन वी बेंड आर एल्बो तो जब हम अपनी एल्बो को बेंड करते हैं तो क्या होता है द मसल ऑफ द बाइसेप कंट्रैक्ट एंड बिकम्स शॉर्ट द मसल ऑफ द ट्राइसेप स्ट्रेचेस एंड बिकम्स लॉन्गर एक मसल होती है आपकी बाइसेप वो कॉन्ट्रैक्ट होती है कॉन्ट्रैक्ट होकर वो शॉर्टर हो जाती है फिर आपकी एक दूसरी मसल है जिसे कहते हैं ट्राइसेप वो स्ट्रेच होती है और लॉन्गर हो जाती है ओके okay? ये तो बात होती है जब अपनी एल्बो को हम बेंड करते हैं और जब अपनी आर्म को स्ट्रेटन करेंगे तो तब क्या होगा द बाइसेप मसल रिलैक्सेस एंड बिकम्स लॉन्गर ट्राइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बिकम्स शॉर्टर बाइसेप मसल अब रिलैक्स हो जाएगी और रिलैक्स हो गई तो ऑफकॉर्स वो लॉन्ग हो गई ट्राइसेप मसल वो कॉन्ट्रैक्ट होके और कॉन्ट्रैक्ट होके वो क्या हो जाएगी शॉर्टर हो जाएगी राइट सो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे